वेलकम बैक टू सैफीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लॉन्ग चिली के कबाब। लॉन्ग चिली के कबाब के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, आधा कप चावल का आटा, धनिया, 1 चम्मच तेल, हल्दी भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, नमक और 1 प्याज का पेस्ट। अब सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब कबाबों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और नमक। अब इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका अच्छे से बैटर बना लेंगे। अब बेसन को आधा अलग कर लिया और इसमें रेड फूड कलर और लाल मिर्च डाल लेंगे। अब पकौड़ियों को तेल में फ्राई कर लेंगे। पकौड़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसे नमक के पानी में डाल लेंगे। अब दूसरे बैटर को पतला कर लिया, अब इसकी पकौड़ी बना लेंगे और इसे पानी में नहीं डालना है। चटनी के लिए हमने 1/2 कप इमली, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और पुदीना ले लिया है और इन सबको पीस लेंगे। लॉन्ग चिली के कबाब बनकर तैयार हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।